नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ राजीव ढोंडियाल। सलमान खुर्शीद की नई किताब सनराइज ओवर अयोध्या को लेकर बीजेपी और कांग्रेस में जंग छिड़ी हुई है। किताब में हिंदुत्व की तुलना बोको हराम और आईएसआईएस से करने पर विवाद जारी है और इस बीच में कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने बीजेपी और संघ पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि देश में इस वक्त दो विचारधाराएं, एक आरएसएस की और दूसरा कांग्रेस की विचारधारा। आरएसएस की नफरत फैलाने की विचारधारा, जबकि कांग्रेस की विचारधारा प्यार करने की है। साथ ही कहा कि आरएसएस के आइकॉन सावरकर हैं, जबकि कांग्रेस का आइकॉन महात्मा गांधी है। उन्होंने हिंदुत्व और हिंदुइज्म दोनों को अलग अलग बताया। राहुल गांधी ने निशाना साधा है बीजेपी पर, आरएसएस पर, और हिंदुत्व और हिंदुइज्म को अलग अलग बताया। कहा कांग्रेस प्यार वाली विचारधारा है, जो प्यार करना जानती है, जबकि बीजेपी और आरएसएस की बिल्कुल ऐसे है हिंदुत्व को। फिर एक सलमान खुर्शीद की खिताब, उनकी खिताब में आईएसआईएस और बोको हराम से जोड़ा जाता है हिंदुत्व को, तो ये कैसा प्रेम? ये अपने आप में एक सवाल है। बहरहाल, इस बीच में राहुल गांधी ने ये तमाम बातें कही हैं। हिंदुत्व और हिंदुइज्म दोनों अलग अलग है। तो राहुल गांधी ने कहा कि ये अलग तरह की दोनों विचारधाराएं हैं। हिंदू धर्म और हिंदुत्व दोनों अलग अलग है, हिंदू धर्म और हिंदुत्व एक नहीं है। इस बीच में सलमान खुर्शीद की उस खिताब का आप एक बार फिर से जिक्र करते हैं, सनराइज ओवर अयोध्या, जिसको लेकर अभी जंग छिड़ी हुई है। इसमें क्या किया गया, हिंदुत्व की तुलना की गई है बोको हराम से और आईएसआईएस से, लेकिन राहुल गांधी कह रहे हैं कि बीजेपी और संघ की इस तरह की विचारधारा है, कांग्रेस की विचारधारा है प्रेम करने की, आरएसएस की विचारधारा और कांग्रेस की विचारधारा दोनों में अंतर है, बहुत अंतर है। आरएसएस की नफरत फैलाने की विचारधारा है, कांग्रेस की विचारधारा है प्यार करने की। साथ ही कहा कि उनके आइकॉन सावरकर हैं, तो हमारे आइकॉन यानी कि कांग्रेस का आइकॉन है महात्मा गांधी, तो अब ये जंग छिड़ गए हैं। लेकिन बीजेपी भी निशाना साध रही है। बीजेपी ने यह स्पष्ट कर दिया है कि यह होड़ सी मची है कांग्रेस में, होड़ सी मची है कि कैसे हिंदू धर्म का अपमान किया जाए। तो हिंदू धर्म और हिंदुत्व दोनों अलग अलग है, राहुल गांधी कह रहे हैं। हिंदू धर्म और हिंदुत्व एक होता तो नाम भी एक होता। देश में विचारधारा की लड़ाई सबसे अहम है, दो तरह की विचारधाराएं हैं। राहुल गांधी ने कहा कि हिंदू धर्म और हिंदुत्व एक होता तो नाम भी एक होता, विचारधाराएं दोनों अलग अलग हैं और देश में विचारधारा की लड़ाई सबसे अहम है। एक कांग्रेस की विचारधारा है, दूसरी विचारधारा आरएसएस की है। राहुल गांधी ये बातें कह रहे हैं। उन्होंने कहा कि देश में बीजेपी और आरएसएस ने नफरत फैलाई है, तो कांग्रेस ने जोड़ने का प्रयास किया है, भाईचारा और प्यार बढ़ाने का प्रयास किया है। कांग्रेस की विचारधारा देश के कोने कोने तक हम पहुंचाएंगे और आरएसएस के आदर्श सावरकर हैं, तो कांग्रेस के आदर्श महात्मा गांधी हैं। कोने कोने तक कांग्रेस की विचारधारा को हम पहुंचाएंगे। बीजेपी और आरएसएस को निशाने पर राहुल गांधी ने लिया। उनका ये नया हिंदुत्व ज्ञान, 2014 से पहले विचारधारा की लड़ाई केंद्रित नहीं थी। माननी पड़ेगी, हिंदुस्तान में दो विचारधाराएं हैं, एक कांग्रेस पार्टी की विचारधारा और एक आरएसएस की विचारधारा, और हमें यह बात माननी पड़ेगी कि आज के हिंदुस्तान में बीजेपी आरएसएस ने नफरत फैला दिया है और कांग्रेस की विचारधारा जो जोड़ने की, भाईचारे की, प्यार की विचारधारा है, उसको बीजेपी की नफरत भरी विचारधारा ने ओवरशैडो कर दिया है। मिटाया नहीं है, हराया नहीं है, मगर उनका प्रोपगेशन हमारे प्रोपगेशन से ज्यादा है। उनके भी आइकॉन्स हैं, हमारे भी आइकॉन्स हैं। उनके आइकॉन सावरकर, हमारे आइकॉन महात्मा गांधी। हमने जिस प्रकार से अपनी विचारधारा को, जिस गहराई से अपनी विचारधारा को समझना चाहिए और फैलाना चाहिए, वो हमने पहले हम करते थे, वो हमने छोड़ दिया।
और जो उसके कारण थे, किसी की गलती नहीं मगर कारण थे। मगर अब समय आ गया है कि हमने अपनी विचारधारा को अपने संगठन में गहरा करना है। अब सवाल यह है कि यह संयोग है या प्रयोग, क्योंकि हिंदुत्व को लेकर सलमान खुर्शीद का बयान, उनके खिताब में जो है एक पूरा का पूरा इस पर जो है उनका विचार रखना, दूसरा इसी पर राशिद अलवी का एक बयान, तो क्या यह संयोग है? उसके बाद राहुल गांधी भी इसी का जिक्र करते हैं। सलमान खुर्शीद की नई खिताब सनराइज ओवर अयोध्या को लेकर सियासत गर्मा गई है। बीजेपी नेता कपिल मिश्रा ने कहा कि हिंदू धर्म का अपमान करना कांग्रेस के कल्चर में है। राहुल गांधी का ये जो बयान है हिंदुत्व और हिंसा को लेकर, शायद ये हिंदुत्व उन्होंने इंदिरा गांधी से सीखा होगा, या ये हिंदुत्व उन्होंने अपने पिताजी राजीव गांधी से सीखा होगा। ये हिंसा गांधी परिवार में सिखाई जाती है क्या? और ये कांग्रेस का सलमान खुर्शीद हो या राशिद अलवी हो या राहुल गांधी हो, जिस प्रकार से इस देश में हिंदुओं के खिलाफ नफरत का माहौल बनाने की कोशिश गांधी परिवार के गैंग के द्वारा की जा रही है, ये शर्मनाक भी है और अस्वीकार्य भी है। इस देश में हत्याएं, दंगे, कत्लेआम, ये गांधी परिवार और कांग्रेसी राजनीति जरूर रही है, लेकिन इससे हिंदू धर्म को जोड़ना स्वीकार नहीं किया जाएगा। राम कदम ने इस पर क्या कुछ कहा है? आपको सुनाते हैं। मूलतः जय श्री राम ये नारा नहीं है, जय श्री राम हमारे रगो रगो में चलने वाला हमारा मंत्र है, हमारी आस्था है, हमारी श्रद्धा है। अब जिनकी आंखों को, जिनके कानों को जय श्री राम ये नारा पसंद नहीं है, तो जाए जहां जय श्री राम का नारा नहीं लगता ऐसे भूमि पर जाए, बिल्कुल जाए। हिंदुस्तान में रहना होगा तो हर धर्म का सम्मान करना होगा। जय श्री राम के प्रति इस प्रकार की कोई भी आपत्तिजनक बयान हम सहेंगे। और ब्रह्म प्रकाश दुबे हमारे संवाददाता इस पर हमारे साथ ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए। ब्रह्म प्रकाश, क्या ये एक प्रयोग है अब, क्योंकि राशिद अलवी वो अलग बात कहते हैं, वो जय श्री राम को कहां जोड़ रहे हैं? काल नैमिष से। इसके बाद सलमान खुर्शीद अपने खिताब में तो बोको हरम से, आईएसआईएस से हिंदुत्व की तुलना करते हैं। उसके बाद राहुल गांधी भी आते हैं, वो भी हिंदुत्व का जिक्र करते हैं। तो क्या ये नया एक्सपेरिमेंट है हिंदुत्व को हिंसा से जोड़ने का, कट्टरता से जोड़ने का? बिल्कुल, देखिए अगर लगातार इन तीनों बातों को देखें जो अलग अलग नेताओं ने दी है, तो इनको देखकर तो यही लगता है कि ये एक तरह से अपने वोटर या अपनी सोच वाला जो उनका वोट बैंक है, जो उनके समर्थक हैं, उनको एक मैसेज देने की कोशिश की जा रही है। क्योंकि देखिए उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव भी होने हैं और ऐसे वक्त पर सलमान खुर्शीद की किताब आती है, उसमें तमाम बातें लिखी गई हैं, हिंदुत्व की तुलना की गई है। और राहुल गांधी आज कह रहे हैं, अपने जब सोशल मीडिया के अपने वर्कर्स को संबोधित कर रहे थे तो वो कह रहे हैं कि जब आप हिंदू हैं तो हिंदुत्व की बात करने की क्या जरूरत है, जबकि बार बार इस देश में कहा गया है कि हिंदुत्व एक धर्म नहीं बल्कि एक विचारधारा, एक रहने की कला है जो इस देश में जो लोग भी रहते हैं, ये आरएसएस भी इस बात को कहता रहा है, आरएसएस के प्रमुख इस बात को कह चुके हैं कि जो लोग भी इस देश में रहते हैं वो सारे लोग हिंदू हैं, वही हिंदुत्व है। इसके बावजूद उस पर विवाद छेड़ना, उसको टारगेट करना, तो ऐसा लगता है कि कांग्रेस ने सारा नफा नुकसान नाप लिया है और उनको लगता है कि इस तरह से अगर वो बयान देते हैं, उनके पार्टी के नेता इसी पर चलते हैं, तो उनको चुनावी फायदा हो सकता है। क्योंकि उत्तर प्रदेश में जिस विधानसभा चुनाव के ठीक पहले इस पर विवाद छेड़ना, हालांकि बीजेपी इस पर हमलावर है, बीजेपी के तमाम नेता इसको लेकर कांग्रेस पर सवाल खड़े कर रहे हैं, सलमान खुर्शीद को घेर रहे हैं और कांग्रेस पार्टी को घेर रहे हैं। हालांकि कांग्रेस पार्टी ने आधिकारिक तौर पर अभी इसको, सलमान खुर्शीद ने जो लिखा है किताब में उसको लेकर और राशिद अलवी ने जो बयान दिया है उसको लेकर कोई आधिकारिक तौर पर बयान नहीं दिया, लेकिन राहुल गांधी उसी बात विरोध करने की स्थिति में भी होंगे और विरोध करेंगे भी। ब्रह्म प्रकाश आप हमारे साथ बने रहे। इस बीच में एक बड़ी खबर मिल रही है, बड़ी खबर यह है सलमान खुर्शीद के खिलाफ अयोध्या कोतवाली में शिकायत दर्ज हो गई है। सलमान खुर्शीद के खिलाफ शिकायत दर्ज हो गई है, अयोध्या कोतवाली में शिकायत दर्ज करवाई गई है। दरअसल आईएसआईएस बोको हराम से तुलना की थी, हिंदुत्व की तुलना की थी, अपने खिताब में हिंदुत्व की तुलना की है सलमान खुर्शीद ने, और अब शिकायत दर्ज हो गई है। ये शिकायत अयोध्या में दर्ज की गई है, अयोध्या कोतवाली में ये शिकायत दर्ज करवाई गई है।
किताब का विमोचन हुआ, पुस्तक का विमोचन हुआ और पुस्तक में ये सारी बातें लिखी गई हिंदुत्व को टारगेट करते हुए, किसी और धर्म के को लेकर इस तरह की बातें नहीं, इस तरह की टिप्पणियां नहीं, लेकिन हिंदुत्व को लेकर इस तरह की टिप्पणियां हैं। उसके बाद राशिद अल्वी का बयान, वो भी जय श्री राम को लेकर अपना एक अलग विचार रखते हैं। और फिर राहुल गांधी भी हिंदुत्व और हिंदुइज्म को अलग अलग बताते हैं और एक अलग परिभाषा गढ़ने के का प्रयास करते हैं। अब इसको 2022 विधानसभा चुनाव से जोड़कर देखा जा रहा है। लेकिन इस बीच में शिकायत दर्ज हो गई है अयोध्या में सलमान खुर्शीद के खिलाफ, पुस्तक में जो जो बातें उनकी लिखी, कई राज्यों में पुस्तक को बैन करने की चर्चा है कि बैन की जा सकती है। लेकिन अभी हिंदुत्व पर जो अपमानजनक टिप्पणी की गई, उस टिप्पणी को लेकर यह शिकायत दर्ज करवा गए। महंत राजू दास तस्वीरों में दिख रहे हैं। ब्रह्म प्रकाश हमारे साथ लगातार बने हैं। ब्रह्म, ये स्वाभाविक है कि इतना आक्रोश हिंदू धर्म के मानने वाले नहीं व्यक्त करते हैं, लेकिन चलो थाने तक पहुंच गए, शिकायत दर्ज करवाई गई है। बिल्कुल, देखिए अब इस पर सियासत भी होगी और जिन लोगों को नाराजगी है इसको लेकर वो अपनी शिकायत भी दर्ज कराएंगे, FIR भी दर्ज कराएंगे। देखिए मध्य प्रदेश के गृह मंत्री हैं नरोत्तम मिश्रा, वो पहले कह चुके हैं कि वो कानूनी राय ले रहे हैं और इसको मध्य प्रदेश में इस किताब को, सलमान खुर्शीद की किताब को बैन किया जा सकता है कानूनी राय लेने के बाद। इसी तरह आप देखिए उत्तर प्रदेश में पुलिस में कंप्लेन दी गई है और क्योंकि उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव होने हैं, जाहिर है इस पर सियासत होगी, बीजेपी को भी एक मुद्दा मिल गया है, बीजेपी इसको लेकर घेरेगी। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि राहुल गांधी ने जिस तरह का बयान दिया है, तो क्या राहुल गांधी सलमान खुर्शीद ने जो किताब में बात कही है उसका इंटरनली समर्थन कर रहे हैं, क्योंकि उसी रास्ते पर राहुल गांधी ने भी अपनी बात कही है और उसी तरह की बात राशिद अल्वी भी कह रहे हैं जो कांग्रेस के नेता हैं। तो क्या कांग्रेस को यह लग रहा है कि हिंदुत्व को टारगेट करने से उत्तर प्रदेश चुनाव में, विधानसभा चुनाव में उनको फायदा होगा, आने वाले जिन राज्यों में बीजेपी RSS के हिंदुत्व की काट हिंदुइज्म है? देखिए ये बड़ा सवाल है कि क्या इससे कांग्रेस इस तरह से हिंदुत्व को टारगेट करके ये कहेगी कि आप हम हिंदू को नहीं हिंदुत्व को टारगेट कर रहे हैं और इससे इसमें कट्टरता है और इससे उनको सियासी फायदा होगा। ऐसा लगता है कि कांग्रेसी नेताओं को तो यही लग रहा है, जिस तरह से उत्तर प्रदेश बड़ा राज्य है और जिस तरह से वहाँ पर त्रिकोणी जिस तरह से स्थिति बन रही है, समाजवादी पार्टी जिस तरह से बढ़ चढ़ कर वहाँ आगे निकल रही है, तो ऐसा लग रहा है कांग्रेस को कि मुस्लिम वोट बैंक को जो खासतौर से एंटी बीजेपी है वो एक तरफा समाजवादी पार्टी के पास जाएगा। तो इस तरह से कांग्रेसी नेता राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं हैं और राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं के लिए ये बातें कही गई। आपका बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। और अब तक यही सुनते आए हम कि हिंदुत्व भारत की जीवन पद्धति है, जीवन शैली है, लेकिन उत्तर प्रदेश के चुनाव से पहले कांग्रेस के नेता हिंदुत्व पर सवाल उठा रहे हैं। सलमान खुर्शीद की किताब में हिंदुत्व की तुलना इस्लामिक आतंकी संगठनों ISIS बोकोरम जैसे इन आतंकी संगठनों से की है। तो राशिद अल्वी कह रहे हैं कि जय श्री राम बोलने वाले सभी मुनि नहीं होते, तो उनकी तुलना राक्षस काल नेमी से की गई। अहम बात यह है कि किसी भी मजहब में अच्छे लोग होते हैं जो अच्छे लोग नहीं होते हैं। फिर हिंदुत्व के बहाने क्या ये हिंदुओं को निशाना बनाने की कोशिश नहीं है? तो राशिद अल्वी ने यह बात कही कि जो जय श्री राम बोल रहे हैं वो रामायण काल के काल नेमी जैसे हैं। तो लेकिन इस बीच में एक बड़ी खबर यह भी मिल रही है, राशिद अल्वी का विवादित बयान कि जय श्री राम का नारा लगाने वालों की तुलना जो वो काल नेमी है, तुलना उन्होंने राक्षस से की, राम राज्य का नारा लगाने वाले मुनि नहीं है। राशिद अल्वी ने कहा राम राज्य का नारा लगाने वाले रामायण के काल नेमी राक्षस समान। यूपी के संभल में कल के महोत्सव में यह विवादित बयान उन्होंने दिया था। हनुमान जी ऊपर से नीचे उतर आते, वो तो भक्त है, वो आके बैठ जाते हैं पांव के अंदर, तो ये राक्षस कहता है इसे तो वक्त खराब करना था, पहले जाओ मानसरोवर के अंदर स्नान करो, बगैर नहाए जय श्री राम नहीं बोला जाता। ये अलहदा बात है आचार्य जी, आज जो जय श्री राम बोलते वो बगैर स्नान के बोलते। एक मगरमच्छ पांव पकड़ लेता हनुमान जी, वो उसे किसी ने शराब दिया था, वो एक अप्सरा थी, वो अप्सरा बन जाती और वो हनुमान जी से कहती है हनुमान क्यों वक्त खराब कर रहे, तुम्हें तो सूरज निकलने से पहले जाना है संजीवनी बूटी लेकर, और ये जो सामने बैठा है जय श्री राम कह रहा है मुनि नहीं, ये निश्चर घोरा, ये मुनि नहीं है, ये तो घोर राक्षस है। मैं आपसे बस इतनी बात कह के
अब आपसे विदा लूंगा कि आज भी बहुत लोग जय श्री राम का नारा लगाते हैं, वो सब मुनि नहीं, वो निश्चर है। होशियार रहने की जरूरत है और देश के अंदर हमें ऐसा माहौल पैदा करना है जो राम राज्य के अंदर आया है। तो आज जो जय श्री राम के नारे लगा रहे हैं वो निश्चर हैं, वो राक्षस हैं। आपने राशिद अलवी का बयान सुना, लेकिन राशिद अलवी अपने बयान पर कायम है। ये भी बड़ी खबर आपको देते, राशिद अलवी ने जो बयान दिया उस बयान पर वो कायम है। आप इसे ये अंदाजा लगा सकते हैं कि हिंदू कितने सहिष्णु हैं। बदनाम करने का बहुत प्रयास होता है लेकिन सहिष्णु है, और वो नजर भी आता है कि कोई भी कुछ भी बोल देता है उतना रोष प्रकट नहीं किया जाता है। लेकिन राशिद अलवी ने बयान दिया और बयान के बाद कायम भी है। साधु संतों ने मेरे बयान की तारीफ की, वो ये बात कह रहे हैं, काल की धाम में मेरा भाषण है, वहां पे सैकड़ों संत बैठे हुए थे, उन्होंने मुझे आशीर्वाद दिया मेरे भाषण के बाद, और मैंने हरगिज ये नहीं कहा कि जय श्री राम बोलने वाला हर आदमी राक्षस होता। मैंने कहा है कि जय श्री राम बोलने वाला हर आदमी मुनि नहीं होता। श्री राम एक आस्था का नाम पे, उन पे राजनीति नहीं की जा सकती। मैंने ये भी कहा है कि देश के अंदर सही माने में राम राज्य आना चाहिए, जहां पे नफरत का नामो निशान नहीं होना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी की तो आदत है कि वो एक एक लफ्ज निकाल के उसको एक्सप्लाइट करते। प्रेजेंटिंग वी न्यूज ऐप अवेलेबल ऑन गूगल प्ले एंड एप स्टोर, डाउनलोड इट नाउ।